इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, आप सैमसंग गलेक्सी M12 के मोबाइल फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। मतलब आप किसी दूसरे फ़ोन के हॉटस्पॉट से अपने फ़ोन के वाईफाई को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं सैमसंग गलेक्सी M12 में। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको सैमसंग गलेक्सी M12 मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर आपको यहाँ कनेक्शंस का ऑप्शन मिलेगा। कनेक्शंस पर आप क्लिक करिए, यहाँ वाईफाई का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले वाईफाई को यहाँ पर क्लिक करके ऑन कर लेना है, या जब आप एक बार यहाँ वाईफाई पर क्लिक करेंगे और फिर ये ऑफ के सामने वाले सेटिंग को यहाँ पर क्लिक करके ऑन कर देंगे तो आपके फ़ोन में वाईफाई दोस्तों हो जाएगा ऑन। आप दोस्तों देखिए कि आपको क्या करना है कि आपको जिस फ़ोन के हॉटस्पॉट से अपने वाईफाई को कनेक्ट करना है तो उस मोबाइल फ़ोन में हॉटस्पॉट को देना है ऑन कर। तो जब आप उस फ़ोन में हॉटस्पॉट को ऑन कर देंगे तो आपका फ़ोन का वाईफाई उसे जो है एक्सेस कर लेगा, मतलब सर्च दोस्तों कर लेगा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने अपने दूसरे मोबाइल Realme 3 Pro का हॉटस्पॉट ऑन किया तो सैमसंग गलेक्सी M12 के हमारे इस मोबाइल के वाईफाई ने उसे एक्सेस कर लिया, मतलब ढूंढ लिया है। अब देखिए कनेक्ट करने के लिए जो हॉटस्पॉट आपके वाईफाई में सर्च आए तो उसे कनेक्ट करने के लिए उस हॉटस्पॉट नेम पर क्लिक करना होगा। क्लिक करेंगे तो आपको मांगा जाएगा उस हॉटस्पॉट का पासवर्ड, तो अब आपको पासवर्ड डालना होगा उस हॉटस्पॉट का सही पासवर्ड। तो चलिए मैं अपने Realme 3 Pro मोबाइल फ़ोन के हॉटस्पॉट का पासवर्ड डाल देता हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी पासवर्ड डाल देना है उस हॉटस्पॉट का। तो जब आप पासवर्ड डाल देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो कनेक्ट पर क्लिक कर देना है तो फिर आपका वाईफाई जो है उस हॉटस्पॉट डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्टेड लिखा जा चुका है, मतलब कनेक्ट हो चुका है। सो इस तरीके से आप दोस्तों कनेक्ट कर सकते हैं अपने सैमसंग गलेक्सी M12 के मोबाइल में। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा।